नहीं है, अब चूंकि पूरा विश्व माना है तो हम इसके इस बात पर नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन जब इस भाजपा सरकार को, भाजपा के प्रधानमंत्री जी को और देश के मुख्यमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश के, जब भी कुछ करना होता है, कोई इवेंट करना होता है, भाजपा के लोगों को रैलियां करनी होती है, तब कोरोना नहीं होता और तमाम चीजें हैं। अब कोरोना के नाम पे प्राइवेट विद्यालय जरूर बंद रहे, विद्यालय बंद रहे, बच्चों की पढ़ाइयाँ डिस्टर्ब हुई, देश का सारा व्यवस्था डिस्टर्ब हुआ। लेकिन सरकार को इस पर यह भी सोचना चाहिए था कि बच्चों से प्राइवेट स्कूल जो फीस ले रहे हैं, तो प्राइवेट स्कूल के जो शिक्षक थे उनको तो कोई सरकारी तनख्वाह मिलती नहीं, कोरोना के कारण उनकी भी रोजी रोटी बंद रही। और चूंकि जो भी विद्यालय अपने उन शिक्षकों को रोजी रोटी देने का काम किया, कोरोना काल में भी कुछ पैसा देने का काम किया या उनको तनख्वाह जो कुछ भी दिया, तो आखिर वो विद्यालय के पास कोई आए तो है नहीं, बच्चों से फीस लेगा तभी देगा। हाँ, इस पर सरकार को यह चाहिए कि सरकार सिर्फ अखबारी घोषणा, ये राय बहादुर सरकार है, अखबारी घोषणा छोड़ करके, टीवी पर घोषणा छोड़ करके दोनों की चिंता करे, छात्र की भी चिंता करे और विद्यालय के स्टाफ की भी चिंता करे, प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों को तनख्वाह भी दे। अभी जो हमारे प्रदेश सरकार का बजट आया उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, राय बहादुर सरकार में जो भी बजट है इनकी, तो ये तो अपने हर काम को बहुत बेहतरीन काम बताते हैं। ये उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता अब जान चुकी है कि इनका कार्य कितना बेहतरीन है, इनका बजट कितना बेहतरीन है। सच्चाई यह है कि चंदौली जनपद में ठीक तरीके से सरकारी कार्यों में ईटा नहीं लग पा रहा है। आप जिस गांव में उठा कर देखिए, पहले हम लोगों की सरकार थी और हम लोगों की पूर्ववर्ती सरकारें थी, तो गांव में जो नंबर एक ईट आया करता था वो सारी ईंटें जो है लाल कलर की, एकदम लाल कलर की होती थी, पक्की ईंटें होती थी। आज पूरे चंदौली में मैं दावे से कह सकता हूं, अगर ईमानदारी से, अगर भाजपा के लोगों के पास अगर आंख हो ठीक ठाक, वरना चश्मा भी लगा के देख लें, खुद मुख्यमंत्री जी आकर के, योगी जी आकर के देख लें, पूरे चंदौली जनपद के किसी गांव का खंडन नाली देख लें, खुद मोदी जी आकर के देख लें, अगर जरूरत पड़ता है तो बढ़िया डॉक्टर भी चश्मा वाला बना दिया जाएगा, आंख वाला देख लें, सारी ईंटें पीले कलर की आ रही, अब तो लाल कलर का ईंटा बनना बंद हो गया। तो ये बजट इनका मैंने वही है, कहते हैं कुछ करते हैं कुछ और सिर्फ जनता को धोखा देना इनका काम है, झूठ बोलना इनका काम है। अब भाई, अब इनका बजट जो बढ़िया है, एक स्कूल की बाउंड्री तक नहीं बनवा पा रहे। हाँ, एक चीज और, इस बजट में मैंने एक नई चीज देखा है जरूर सरकार को, और इसके लिए मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि भाई, जो लोक मंदिर है, चाहे उत्तर प्रदेश का विधान भवन हो, चाहे लखनऊ का सदन भवन हो, ये हमारे देश का लोक मंदिर है और यहाँ से जनता के सुख दुख का संचार ख्याल किया जाता है। और लोक मंदिर सबका है, सभी धर्म जात के लोगों का है, किसी एक जात किसी एक धर्म के लोगों का लोक मंदिर नहीं है। और सदन में भारतीय जनता पार्टी के माननीय नेता मंत्री विधायक का जिस प्रकार से बजट पर जय श्री राम का उद्घोष किए, अच्छी बात है, जय श्री राम बोलना चाहिए, हम भी बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ योगी जी से कि वहां अल्लाह अकबर क्यों नहीं बुलवाया, वो भी बुलवाना चाहिए था, जय महावीर जय बुद्ध बोलना चाहिए था, जय गार जय वाहेगुरु बोलना चाहिए था। भाई, उत्तर प्रदेश में बौद्ध महा जैन और सिख ईसाई सारे लोग रहते हैं ना, सिर्फ जय श्री राम बोलना और ये बाकी धर्म के लोगों का अपमान है। तो कृषि बिल में आपके नजरिए से काला क्या है? देखिए, सब कुछ काला है। सरकार ने जो भी योजनाएं कृषि बिल में, जो भी उन्होंने फार्मूला लागू किया है, हम हर अच्छी चीजों का स्वागत करते हैं, होना चाहिए। जो किसान परेशान था, यही तो मांग है हमारी कि किसानों को तय एमएसपी पर, चाहे प्राइवेट में किसान अपना फसल बेचे या सरकारी बेचे, किसानों को एमएसपी पर मूल्य मिलना चाहिए। आज तक भारत के किसानों को नहीं मिल पाया। लेकिन काला उसमें यह है कि सरकार कहती है कि नहीं, एमएसपी जैसा, उस बिल में एक प्रावधान है जिसमें लिखा है एमएसपी जैसा, तो एमएसपी जैसा क्यों, एमएसपी ही क्यों नहीं, एमएसपी को सुनिश्चित कर दे। पहला काला तो यही है कि सरकार अगर कह रही है कि एमएसपी नहीं हटाएंगे, तो सरकार के कहने पर कैसे जनता भरोसा कर ले, क्योंकि सरकार संविधान बना रही है भाई, तो उसमें लिख दे, संविधान में लिख दे कि एमएसपी नहीं हटेगा। दूसरी बात, जो इन्होंने कहा है कि फसल बोने से पहले ही किसानों के फसल का दाम तय कर लिया जाएगा और किसान की कटाई होने के बाद उसकी गुणवत्ता पर जो है फसल को लिया जाएगा। भाई, जैसे आज पेट्रोल डीजल का दाम
आप देख लीजिए कहां पहुंच गया। तब पिछली सरकारों में कच्चे क्रूड ऑयल की कीमत क्या होती थी और इस सरकार में क्या है, हर समय घटते बढ़ते क्रम में रहता है। तो इन्होंने जैसे इनको फ्री कर दिया और आप मनमाना तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, वैसे ही किसानों की फसल को प्राइवेट पूंजीपति लोग जब अपना ले जाएंगे भंडारण करने के, भाई छोटे व्यापारी जो भी गांव में खरीदेंगे वो तो भंडारण करेंगे नहीं। इसमें काला यही है कि इन्होंने भंडारण पर खुली छूट दे दी है, भंडारण पर रोक हटा दी है, उनको दाम तय करने का अधिकार दे दिया है। तो भाई किसान को किसान की फसल का दाम तय करने का अधिकार दे दीजिए, वो हमारी फसल का दाम क्यों तय करे, हम दाम तय कर देंगे। और जो भंडारण व्यवस्था है, अगर वो जो पूंजीवादी वर्ग है जब अपने पास सारा कुछ स्टॉक कर लेगा, जैसे आज जनता पेट्रोल डीजल के लिए विवश है कि जिस रेट में डीजल पेट्रोल मिल रहा है लोग मजबूर है उसी रेट में खरीदने को, क्योंकि खरीदेंगे नहीं तो गाड़ियां नहीं चलेंगी, हॉस्पिटल नहीं चलेगा, जनरेटर नहीं चलेगा। वही स्थिति आएगी कि जब ये पूंजीवादी लोग जब भंडारण कर लेंगे तो जिस रेट पर अपने मनमाने दाम पर जैसे भी सब्जी हो, जो भी अन्न फसल हो, जैसे भी बेचेंगे और जनता देश की विवश रहेगी। तो ये यही काला है और कुछ क्या, उसमें क्या काला है। तो अभी तक जो भी बात हुई कृषि बिल पे, सामने जैसा कि अंजनी जी ने बताया कि उसमें काला क्या है, जाते जाते अंजनी जी से केवल एक सवाल करना चाहेंगे कि अंजनी जी ये बताइए कि जेपी नड्डा जी ने बंगाल में जो कैंपेन चल रहा है भाजपा का, उसमें कहा कि ममता बनर्जी ने शौचालय रोक कर महिलाओं का अपमान किया, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? नजरिए क्या देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े माहिर हैं झूठ बोलने में, आ करने में। बड़ा ताजुब होता है कि 1947 से आजाद भारत और जिस भारत में आज भारत के लोग रह रहे हैं, जिस भारत को मजबूत बनाना होगा, जिस भारत को मजबूत बनाना चाहिए, इस 47 के भारत को ये यहाँ के लोगों को ये बीजेपी सरकार ले जा रही राम युग में, कृष्ण युग में, और यही स्थिति है। ये आरोप लगाने माहिर हैं। सवाल यह है कि केंद्र में इनकी सरकार है और यह बात आज कह रहे हैं, जब बंगाल में चुनाव आया है तो आज कह रहे हैं कि नहीं ममता बनर्जी शौचालय नहीं बनने दे रहे। अब भाई आप पिछले 5 साल भी वहां सरकार चला रखे हैं दिल्ली में और अब दोबारा चला रहे हैं, तो ये बात तो बहुत पहले कहना चाहिए था। और जब केंद्र सरकार का बजट है, अगर ममता बनर्जी जी नहीं लागू कर रही हैं, तो आप डायरेक्ट अपना डीएम, आपका डीएम होता है भाई, डीएम जो भी होता है जिलाधिकारी केंद्र के अधीन होता है, केंद्र सरकार को अपना प्रावधान बना देना चाहिए था बंगाल के लिए कि भाई बंगाल में हमारे बजट का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसलिए डीएम केंद्र के बजट को अलग से जो है जनता में लागू करे। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, दरअसल ये सिर्फ झूठ बोलना। विश्व का सबसे बड़ा झूठा पार्टी अगर कोई है, भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं, इसे भारी झूठा पार्टी लोग। तो आज भर के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। नेता हैं और कुछ दिन पहले दैनिक जागरण के फर्स्ट कॉलम में एक मंत्री का स्टेटमेंट आया था कि कृषि बिल में कोई भी नहीं बता पा रहा है कि काला क्या है, तो आप बताएं कि इसमें काला क्या है, क्योंकि आप एक किसान भी हैं। नमस्कार। देखिए कृषि बिल में सबसे पहले जो काला है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, माननीय प्रधानमंत्री जी के खुद का विचार काला है, उनके अंदर का भाव काला है। सबसे पहला काला तो यही है। और दूसरा काला ये है कि अगर कृषि बिल में कुछ काला है ही नहीं, तो ये यही सरकार जब किसानों से भाजपा के जो प्रतिनिधि मंडल गए थे दिल्ली में बार बार मिलने के लिए, बार बार बैठकें हुई, तो तमाम बिंदुओं पर भाजपा के लोग तैयार हो गए कि हाँ हम इसमें संशोधन करने के लिए तैयार हैं, इसमें संशोधन करने के लिए तैयार हैं। तो सवाल सबसे पहले तो ये उठता है कि अगर किसी बिल में कुछ काला नहीं है तो सरकार संशोधन करने के लिए क्यों तैयार है। दूसरी बात कि आज पेट्रोल डीजल का दाम आप देख रहे हैं, जिस तरीके से इस सरकार ने आने के बाद, पिछली सरकार में माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री जी ने यह तय किया था, देश के बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं प्रधानमंत्री के साथ साथ और उनका देश कर्जदार है, उन्होंने तय किया था कि हर महीने 50 पैसे दाम बढ़ाए जाएंगे और जनता पे कोई बोझ नहीं था, हर महीने 50 पैसे दाम बढ़ता था, साल में 6 रुपया। और ये जब से सरकार आई है अंधाधुंध डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए। ये कृषि बिल में, मैं इसी सरकार को बताना चाहूंगा कि ये लेटर है 2/9/2015 का, जब मैं सेना से रिटायर होकर के आया था 2014 में, तो भारत सरकार से हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग किया था और इन्होंने हमको ये सराहना पत्र भेजा है, लिखा है, मैं आपकी हमारे किसानों के अच्छे के लिए गहरी रुचि के लिए सराहना करता हूं और आपके बहुमूल्य सुझाव लिख लिए गए हैं।